हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। अफगानिस्तान के एक सीक्रेट यूएस मिलिट्री बेस पर कुछ यूएस नेवी सील्स को एक मिशन के लिए ब्रीफ किया जा रहा होता है। उन्हें एक टेररिस्ट अहमद शाह के बारे में बताया जाता है, जो कि अफगानिस्तान के कोरंगल में एक लोकल तालिबानी वॉरलॉर्ड होता है। इसके बाद मर्फी फिर से अपने बेस पर कॉन्टैक्ट करता है और वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वो अहमद शाह के अपनी तरफ आने की इंतज़ार में होते हैं। किसी भी सबूत के बजाय इन्हें मार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इनोसेंट सिविलियंस भी तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक के पास वॉकी टॉकी होती है, बता दें आपको। इसी के साथ बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मर्फी इन्हें छोड़ देता है, जिसमें से ये बच्चा भाग कर जाता है और अहमद शाह को बता देता है इनके बारे में। इसके बाद बेस पर कॉन्टैक्ट करके उन्हें उसी समय ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है और ये लोग जंगल की तरफ ऊंचाई में बढ़ते हैं और वहीं पर बाकी सारे टेररिस्ट आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये चारों फंस चुके हैं सारे टेररिस्ट के बीच में। क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि सोल्जर 2 मूवी में भी बॉबी देओल को किसी ऐसे ही खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ने और मारने के मिशन पे भेजा जा सकता है और एक गलती की वजह से वो अपनी सारी टीम की जान मुश्किल में डाल सकते हैं। तो क्या होगा इस कहानी में आगे, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।